गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेसिंग क्वेश्चन पेपर फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के लिए मैंने एक मेरा गेसिंग क्वेश्चन पेपर बनाया है जो आपको प्रोग्राम के लिए, आपके पेपर के लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो इसमें सारे वेरिएशन जो है, मतलब 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, ऐसे पूरे वेरिएशंस के प्रॉब्लम्स मैंने इंक्लूड किए हैं। ये पेपर बनाते वक्त मैंने एमएसबीटी के पिछले 5 क्वेश्चन पेपर्स मैंने रेफर किए और उसमें से ये सॉल्यूशन बनाया, सॉरी ये गेसिंग क्वेश्चन पेपर बनाया। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसमें सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो वो वीडियोस देख के भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप आपका मेल आईडी, आपका कॉलेज का नेम एंड प्लेस ऐसा भेज दीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी मेल कर दूंगा। सारे सॉल्यूशन जो है मेरे पास, वो सारे सॉल्यूशंस मैं आपको मेल कर दूंगा। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम प्रोफेसर वी एम कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो ये क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन, 2 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो ये सारे, इतने सारे क्वेश्चंस जो है, 13 क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, तो इसमें से ही आपको आएगा। आप बस इसका भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका पेपर 100% निकलने ही वाला है, तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये सारे 2 2 मार्क के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए, 5 ही आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 7 आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चंस लिए हैं। बाद में ये है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपको 3 सॉल्व करने हैं, लेकिन 3 के लिए मैंने यहाँ पे 9 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं विथ ऑल वेरिएशन, की जो जो वेरिएशन इसके अंदर आ सकता है सारा वेरिएशंस मैंने इंक्लूड किया है। और आपने बस इसमें क्या हो सकता है कि इसका वैल्यूज आपका चेंज हो सकता है, मतलब पैटर्न यही रहेगा, वैल्यूज इसके अंदर चेंज हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर टू में इंक्लूड किए, वो मे भी क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकते हैं, 4 में भी आ सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है, लेकिन पैटर्न जो है, पैटर्न ऐसे ही आएगा इसका। तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी नहीं आया, लेकिन आप अगर इसका प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको पेपर सॉल्यूशन, पेपर लिखने में काफी आपको फायदा हो सकता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 3 सॉल्व करने हैं, और उस 3 के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं 9 क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट, लेमिस थ्योरम, लॉ ऑफ मशीन है, बाद में फिर से रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ग्राफिकल मेथड है, फ्रिक्शन का है, पॉलीगॉन फोर्सेस है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अटेम्प्ट एनी 3 होता है, 3 के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सो प्लीज कमेंट में आपका मेल आईडी भेज दीजिए, मैं आपको इसका मेल कर दूंगा। ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एनी 2 आपको सॉल्व करना है। तो एनी 2 के लिए आपको मे बी 3 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से आपको 2 सॉल्व करना है, लेकिन एनी 2 के लिए मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस इंक्लूड किए, कि जो भी मतलब जिसका थोड़ा सा हार्ड सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, तो वैसे इसका सॉल्यूशन है, लेकिन आपका अगर स्ट्रेटेजी क्लियर है, आपके कंसेप्ट क्लियर से, तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर में भी कट सेक्शन के प्रॉब्लम है, डैम के प्रॉब्लम है, ये कंबाइन कंबाइन फिगर का जो प्रॉब्लम रहता है वो प्रॉब्लम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का, तो ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर आते हैं। सॉलिड के प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको काफी अच्छे से आपको मैकेनिक्स का पेपर जाएगा। तो एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको यूज कीजिए, तो आपको डेफिनेटली आपका एमएसबीटी का मैकेनिक्स का पेपर पास होने में काफी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।